दोस्तों, अगर आप भी कबूतर के बच्चों को हाथ पे ट्रेन कर रहे हैं और अगर आपके पास भी कबूतर के बच्चे हैं, जैसे कि मेरे पास ये दो बच्चे हैं, ठीक है भाई, अब आपके कबूतर के बच्चों को आप 3 टाइम खाना खिला रहे हैं, मतलब उनको चुग्गा दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सुबह आपने खिलाया, दोपहर में आप खिलाने आओगे, तो पहले आपको क्या चेक करना है, कितना दाना खिलाना है। तो भाई ये मेरे पास बच्चा है, ठीक है, अब ये बच्चा है, अब इसको मैंने सुबह दाना खिलाया और दोपहर में दाना खिलाया, अभी शाम के 8 बज रहे हैं, मतलब रात के 8 बज रहे हैं, तो मैं इसको निकाला हूँ पिंजरे में से, तो क्या चेक करूँगा, पहले मैं इसके यहाँ गले में चेक करूँगा, अगर यह आपको टाइट लगता है, इसमें दाना लगता है, दाने के साथ साथ ये टाइट लगता है, टाइट टाइट लगता है, तो आपको इसको पहले पानी पिलाना है। तो ये मैंने सिरिंज भर ली है, ये चोंच खोली, ये सिरिंज डाली और ये पानी पिलाया, ठीक है। अब कितनी बार पानी पिलाना है, एक बार पानी पिलाया, फिर देखा अभी ढीला नहीं हुआ है, ठीक है, दूसरी बार पानी पिला, मेरे पास 3 ml का इंजेक्शन है, इसलिए मुझे ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, आप 12 ml का इंजेक्शन ले लें, 20 का ले लें, 60 का ले लें, 50 का ले लें, जैसी आपको सहूलियत लगे अच्छी बात रहेगी। तो ये 3-3 ml से मैं पानी पिला रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ, ठीक है, अब कब तक इसको पानी पिलाना है, तब तक कि ये दाना जो पहले का खाया है, क्योंकि भाई ये देखें, ये इसका पूरा क्रॉप भरा हुआ है, ठीक है, ये ऊपर से भी आपको यहाँ भी पर नहीं है, तो यहाँ से भी आपको दिख जाएगा, है ना, अभी मैंने पानी पिलाया, जब तक बहुत टाइट था, अब ये मैंने, ये देखिए यहाँ से भी आपको दिखेगा, ये पर नहीं है, तो दाना भी बराबर, ये देखिए ये दाना दिख रहा होगा, मोबाइल में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको कितना पिलाना है, तब तक पिलाना है जब तक कि ये दाना एक दूसरे से अलग अलग होके पानी की वजह से बिल्कुल अंदर फैलने लग नहीं जाए, मतलब फैलने नहीं लगे, ठीक है। ये देखिए अब मैंने इतना पानी पिला दिया इसको, करीब करीब 15 ml के समथिंग पानी पिला दिया, और इसके ये जो दाने हैं ये फैल चुके हैं, और जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो ये दाने इधर उधर ये हो रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने जब चेक किया था तो ये टाइट टाइट हो रहा था, दाने को यूँ दबाऊँगा तो वो दब नहीं रहा था, मगर अब ये बहुत ही ज़्यादा ये इधर उधर हो रहे हैं, मतलब इसका पेट भरा है, इसको हमने पानी भी पिला दिया। और अभी बात की जाए तो ये कबूतर का बच्चा करीब 19 दिन का है ना, ये आप देख सकते हैं काफ़ी पानी पिला दिया, तो इसको मैं एक साइड बैठा देता हूँ, अभी ये अपना बच्चा है, इनको मैं हैंड ट्रेनिंग, भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं मिलता तो मैं इनको दाना वाना खिला के ज़्यादा ट्रेनिंग व्रेनिंग कर नहीं रहा हूँ, बाकी ये अपने से घुल मिल गए हैं और अपने हाथ से दाना खाते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हरकत कि मैं उसको अगर पाँव पर बैठाऊँगा तो पाँव पे बैठेगा, ठीक है, और मैं दाना खिलाऊंगा तो बराबर खाएगा। तो अभी वो तो 18-19 दिन का है और ये हो गया है आज कंप्लीट 1 महीने का, है ना, तो इसको अपन दाना खिलाएंगे। अभी मैं चने भिगोया नहीं था तो मैं गेहूं खिला रहा हूँ, ठीक है, 5 से 7 दाने आप इसकी चोंच में डाल दें, गेहूँ है मेरे पास बिल्कुल साफ़ सुथरे गेहूँ है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा ये डब्बा भरा हुआ है ना, तो इसको ये तो पानी हाथ से ही पी लेता है, मतलब इसके मन से पी लेता है, इसको पानी पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सिरिंज की टेंशन हेडक नहीं है, तो इसको अपने को दाना खिलाना है क्योंकि ये है भूखा, इसको दोपहर में दाना खिलाया था, बाकी इसको यहाँ चेक करेंगे तो ज़्यादा दाना नहीं है, करीब इसको 20% दाना ही है, तो अपन इसको जो 80% दाने की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देंगे। तो आपको दाना खिलाना है इसको और चेक करते जाना है, ठीक है। अब ये गेहूं ज़्यादा इनको पसंद नहीं आ रहा क्योंकि मैं ज्वार और बाजरा खिलाता था, मेरा ज्वार और बाजरा यहाँ पर ख़त्म हो गया, लैपटॉप पे है, और मेरा जो चना है मैं भिगो के आज रखा नहीं, अब शाम को आज रात में रखूँगा तो कल सुबह ये खाएंगे आराम से, है ना भाई। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोग हाथ पे ट्रेनिंग करेंगे कबूतरों की, हैंड टाइम करेंगे, तो आपको थोड़ा मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।